हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डायमेंशनल एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आप उन दोनों वीडियो लेक्चर को पढ़े होंगे। लॉकडाउन है, फ्री हैं, तो कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम कुछ तो करेंगे, तो थोड़ा बहुत वीडियो लेक्चर पढ़ रहे होंगे। आप उनको अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। जो मैंने वीडियो लेक्चर 1 और 2 में आपको डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस किया था उस पर मैंने आपको क्या क्या बताया था याद करिए। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिस्टम मेजरमेंट के यूनिट मेजरमेंट के सिस्टम की बात की थी, MKS, CGS और FPS की बात की थी। फिर हमने आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। डायमेंशन बहुत ईजी था निकालना, आपने डायमेंशन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे फिजिकल फॉर्मूलों के थ्रू आपने फाइंड आउट किया होगा। और फिर उसके बाद से हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण का उपयोग क्या है। तो हमने विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में यूज किया था, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जाँच करने में किया था, और एक पद्धत के मात्रक को दूसरी पद्धत के मात्रक में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हमने चेंज किया था। आज हम इसी डायमेंशनल एनालिसिस पर कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 3, डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट एंड मेजरमेंट का। आप भी तैयार हो जाइए और शुरू हो जाइए मेरे साथ इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। प्लीज़ अटेंशन के साथ पढ़िए, ध्यान दीजिए और चीज़ों को नोट्स बनाते रहिए और सीखते रहिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जिसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है जो यूनिट और डायमेंशन यूनिट और मेजरमेंट का, उसमें पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि यदि हम फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम इन सब को, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को मूल क्वांटिटी मूल राशियां माने तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, क्या होगा। ऐसा सॉल्व होगा, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा ध्यान से सोचिए, आप भी सोचिए। फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें तो लेंथ यानी लंबाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं कि जो लंबाई है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा होगा और टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा। फोर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा होगा और टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। कौन? यह लंबाई, क्योंकि इसी का विमीय सूत्र हमसे पूछ रहा है। तो आइए उसका सोल्यूशन करते हैं, बहुत इजी है। अब मान लीजिए कि जो लंबाई है वो कैपिटल एल है या स्मॉल एल ही मान लीजिए, वो डिपेंड कर रहा है एफ पर, ए पर और टी पर। इसके ए घात मान लीजिए, इसके बी घात मान लीजिए और इसके सी घात मान लीजिए। जैसे हमने क्या किया था, किसी भी रासायनिक समीकरण की विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया था। तो वो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर जाइए, आप टाइप करिए आलम फाउंडेशन क्लासेस, वहां से प्लेलिस्ट से आप ढूंढ लीजिए। क्लास 11 के 2 वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, डायमेंशन एनालिसिस 1, डायमेंशन एनालिसिस 2। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इजी वे में टाइप कर लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट बाय मोहम्मद आलम अंसारी, आपको वहां मिल जाएगा, आप उससे पढ़ लीजिए। तो वो पढ़ के आएंगे तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो लेंथ है वो फोर्स के ए पावर पर, एक्सेलरेशन के बी पावर पर और टाइम के सी पावर पर डिपेंड करता है। अब यहां से मैं कोई कांस्टेंट लाऊंगा, एल इक्वल टू कोई कांस्टेंट के आ गया, एफ पर ए, ए पर बी और टी पर सी। जिन्होंने मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 अच्छे से देखा होगा उनके लिए यहां से बातें बहुत आसान है समझना। अब यहाँ पे एल का डायमेंशन हम कहते हैं राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर। एल लेंथ है, लेंथ का बीमा होगा एम पर 0, एल एंड टी पर 0। फोर्स का बीमा क्या होगा, एम एल टी पर -2, यहाँ ए,
एक्सेलरेशन का एल टी पर माइनस टू यहां पर भी और टाइम टी पर सी यानी कि टी पर सी ही रहेगा, टाइम का डायमेंशन टी ही होता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहां से सॉल्व करके ए बी सी फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। एम एल टी जीरो इज इक्वल टू अंदर आएगा तो एम पर जीरो सॉरी एम पर ए, इस पावर को अंदर लाएंगे तो एम पर ए घात आ जाएगा, एल पर ए घात यहां आएगा, यहां पर एल पर बी घात आएगा, और चूंकि दोनों गुणा के केस में है तो जुड़ जाएंगे, तो एल पर हो जाएगा ए प्लस का बी। समझ पा रहे कैसे हो रहा है, यहां एल पर ए घात आएगा और यहां एल पर क्या आएगा बी घात आएगा, तो दोनों जब गुणा के केस में है तो घात जोड़ देंगे, यहां का ए घात यहां का बी घात, और टी पर आ जाएगा क्या यहां पर माइनस का टू ए और यहां माइनस का टू बी और यहां प्लस का सी। अब आप इनसे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा एम पर जीरो और यहां एम पर ए है, तो हमें ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा जीरो, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन वन बना लेते हैं। अच्छा दूसरा है एल पर, यहां एल पर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। और तीसरा है माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगा। इनको सॉल्व करके ए बी सी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ए का तो आपको फाइंड आउट हो चुका है, ए की वैल्यू थर्ड में रख लीजिए तो थर्ड से क्या हो जाएगा बताइए, ए की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस बी इक्वल टू वन, दैट मीन्स बी इक्वल टू व्हाट, बी इक्वल टू वन, बी की वैल्यू अगर वन है ए की वैल्यू जीरो है तो सी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, तो चार से क्या हो जाएगा बताइए फटाक से, माइनस टू ए की वैल्यू क्या है जीरो, माइनस टू बी की वैल्यू क्या है वन, प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये तो हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस का टू, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या हो गया टू। एक बार चेकआउट कर लें, देख लें ध्यान से, सी की वैल्यू यहां से क्या मिल गई आपको टू। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट में जाना है, वहां वैल्यू पुट कर देना, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए फ्रॉम इक्वेशन वन, यहां लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, यहां से एल इक्वल टू के की वैल्यू कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहां मान लेते हैं कि यूनिट वन है, एफ ए की वैल्यू जीरो, एक पर बी घात है तो ए पर बी का मान आया है वन, और इसके बाद जो हमारा टाइम टी है उस पर पावर आ चुका है टू। अब आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर, इस टर्म में आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ये बात समझने की कोशिश करें कि आपसे जो कुछ भी पूछ रहा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, आपको डायमेंशन जो पढ़ा है उसको यूज कैसे करना है, बहुत रिलैक्स मोड में पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, उसको बताते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको अगर हम ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से वो भी हमें समझ में आएगा। बता दे रहा हूं मैं इसको, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वह क्वेश्चन ये है कि वान डर वाल समीकरण की बात कर रहा है, वान डर वाल समीकरण, वान डर वाल समीकरण, वान डर वाल समीकरण क्या होता है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये होता है वान डर वाल समीकरण, ठीक है। वान डर वाल समीकरण गैसों के लिए दिया गया हुआ एक समीकरण है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अपने इसी सिलेबस में। तो फिलहाल अभी हम ये जानें कि इस वान डर वाल गैस इक्वेशन में, वान डर वाल गैस समीकरण में ये जो लेटर्स यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है। तो P यहाँ पे प्रेशर है, दाब है, T इक्वल टू क्या है बता सकते हैं आप, टेम्परेचर है, बहुत अच्छे। और अगर आपसे ए की वैल्यू पूछा जाए तो ए और बी कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट इनका हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, और वी जो है यहाँ पे वो वॉल्यूम है, तो आपसे आर गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप जो है इस वान डर वाल गैस समीकरण में आप ए और बी का बीमा बताइए, आप बताइए
कि ए और बी का बीमा क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि बीमा का उपयोग क्या होता है। हम यहां पर लिख देते हैं फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि ए और बी का बीमीय सूत्र आप ज्ञात कीजिए। तो अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि बीमा का जो यूज होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशन। जो बीमा का यूज है उसमें हमने पढ़ा था कि समान बीमा वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा और घटाया जाता है। ये एक एप्लीकेशन हमने बीमा का पढ़ा था और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। तो अब हमारे लिए ये एप्लीकेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे कि समान बीमा वाली ही भौतिक राशियों को जोड़ा और घटाया जाता है। तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, अगर p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर जोड़ा गया है तो इसका मतलब जो डायमेंशन p का होगा वही डायमेंशन a अपॉन वी स्क्वायर का तो होगा। तभी तो इनको ऐड किया गया है और इनको सब्ट्रैक्ट किया गया है तो जो डायमेंशन v का होगा वही तो b का होगा। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में, बहुत ध्यान से देखिए। p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो p का बीमा होगा वही तो a अपॉन वी स्क्वायर का होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि p की बीमा बराबर a अपॉन वी स्क्वायर की बीमा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसको, P इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा M, बताइए फोर्स अपॉन एरिया, जल्दी बताइए M L माइनस वन T टू द पावर माइनस टू। अब देखिए इज इक्वल टू A का डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है, V वॉल्यूम है, L क्यूब होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब होता है, इसका स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करिए तो M L माइनस वन टी पर माइनस टू इंटू, देखिए ध्यान से L पे पावर सिक्स हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स। अब जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, L पे पावर सिक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू A। तो A का डायमेंशन, A का बीमा क्या हो जाएगा बताइए फ्राक से, M L माइनस वन और सिक्स कितना होगा फाइव, एम एल फाइव और टी पर माइनस टू। अब आते हैं B की बीमा की बात करते हैं, डायमेंशन फार्मूला B। तो अभी आपने बताया कि V की बीमा बराबर B की बीमा, क्यों भाई, क्योंकि समान बीमा वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा जाता है। तो अब क्या करेंगे, V की बीमा क्या होती है L T पर, सॉरी यहाँ पे V क्या है, कंफ्यूजन में मत पड़िए, वॉल्यूम है, तो L पे पावर थ्री इक्वल टू B की बीमा। ये मेरे आंसर आ गए दोनों क्वेश्चन, ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है बच्चों को, उस चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूं। क्वेश्चन है कि जो बर्फ है, आइस है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, सॉरी बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और कितनी है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। कहता है क्वेश्चन में इसे जूल पर किलोग्राम में बदलो, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि क्या कह रहा है आपसे, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा या बर्फ की गुप्त ऊष्मा, वैसे दे दीजिए बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे आपको जूल जूल पर किलोग्राम में बदलना है। आपको मैंने अगर वीडियो लेक्चर नंबर आपने 2 और 3 पढ़ा होगा, 1 और 2, तो आप देखे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि एक किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धत से दूसरी पद्धत में बदलना, आप देखिए यहाँ पे ग्राम सीजीएस पद्धत का है और इसको एमकेएस में बदलना है, किलोग्राम मतलब एमकेएस। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए सही है, थोड़ा सा चेक करते हैं। अगर मैं इसके सोल्यूशन की तरफ आपको ले जाऊं तो थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक मुझे दिख रहा है। इसमें जो N1 की वैल्यू दी गई है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा दी गई है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा वो कितना दिया है, 80 कैलोरी कैलोरी प्रति ग्राम। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर सही आएगा नहीं, रीजन ये है
क्योंकि ये किसी भी दशा में सीजीएस पद्धत में नहीं दिख रहा हमको, कैलोरी सीजीएस पद्धत में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करने की सोचूं तो मैं पढ़ा हूं कि एक कैलोरी बराबर होता है क्या 4.18 जूल, कभी पढ़ा होगा आपने जरूर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 80×4.18 जूल प्रति ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अभी भी मुझे जो दी गई यूनिट है वो ठीक ठीक नहीं लग रही है, क्या मुझे जूल को भी चेंज कर लेना चाहिए? तो मैंने पढ़ा होगा 1 J = 10^7 अर्ग, 1 J बराबर होता है 10^7 अर्ग। अब देखिए ये हो जाएगा 80×4.18×10^7 अर्ग प्रति ग्राम। अब कहीं ना कहीं ये देखिए ये पूरा पूरा आ गया प्योर सीजीएस सिस्टम में हमारा वैल्यू आ गया। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपको दे तो पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्या जो दी गई वैल्यू है वो किसी दो डिफरेंट सिस्टम को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अगर ये सीजीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कतई सीजीएस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो पहले आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को ही चेंज कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप डायरेक्ट इसको चेंज करिए, मैंने डायरेक्ट किया भी नहीं है, अभी मैं सिर्फ इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलाया हूं, एक सिस्टम मिलाने की कोशिश किया हूं इसके मात्रक को। मैंने इसमें किसमें चेंज कर दिया, कैलोरी से, मैंने पहले से जूल में चेंज किया, जूल से अर्ग में चेंज कर दिया, ये हो गया। इतनी वैल्यू हो गई इस सीजीएस सिस्टम में इस बर्फ की गुप्त ऊष्मा की। अब मुझे इसे चेंज करना है जूल प्रति किलोग्राम में। तो आइए क्या करेंगे, पहले आपको लिखना होगा गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा बताइए, फिर बताएगा गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है। बहुत अच्छे, L²T/-2 ये हो गया इसका डायमेंशन। अब हमें किसमें दिया हुआ है, सीजीएस में, किसमें चेंज करना है, एमकेएस में। बाकी चीजें आपको पिछले क्लास में पढ़ाई है, आप चाहे तो कर सकते हैं, फिलहाल मैं बता रहा हूं तो एक बार बता ही देता हूं। ये लंबाई है, ठीक है, और दूसरा क्या है, समय है। लंबाई को इसमें किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में। डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1। और इसमें किसमें मापते हैं समय को, सेकंड में, तो इसका T1। यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, L1। L2 हो जाएगा, दूसरा सिस्टम है ये, पहला सिस्टम है सीजीएस जिसमें चेंज करना हो, दूसरा सिस्टम मानते हैं, इसमें हो जाएगा टाइम और ये होता है सेकेंड में, ये हो जाएगा T2। यहाँ डायमेंशन क्या हो जाएगा इस पद्धत में, बीमा क्या होगा बताइए, L1 T1 L1²T1-2। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा बोलिए फटाफट, आप लोग भी बोलिए भाई, यहाँ बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा बताइए, L2 इस सिस्टम में बीमा लिख रहे हैं और T2/-2। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आंकिक मान क्या मानेंगे, इसमें आंकिक मान मान लेंगे N1 और इसमें आंकिक मान क्या मान लेंगे, इसमें आंकिक मान मान लेंगे N2, ठीक। अब हम यूज करेंगे आंकिक मान गुणे मात्रक, इन दोनों का मल्टीपल दोनों सिस्टम में इक्वल होना चाहिए। तो चलिए उसको करते हैं, पहले इतना बना लीजिए आप नोट करके, मुझे लिखना नीचे लिखना दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा बहुत अभी लिख सकता हूँ। तो फिर क्या आएगा, तब मैं लिख सकता हूँ N1×L1²T1-2=N2L2²T2/-2, ठीक है। यहाँ से मुझे N2 की वैल्यू हमेशा चाहिए होगा, N2=N1। ध्यान दीजिए इसको जब नीचे लाएंगे तो L1/L2 का 2 और T1/T2 का क्या हो जाएगा, -2। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़े से जगह में सॉल्व करना है, बनिया गिरी शुरू कर दिए, चलिए आइए ठीक है, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए जरूरत पड़ने पर। N1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इतना बड़ा सा कैसे लिखेंगे यार, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.18 में 8 का पहले मल्टीप्लाई करो, 8×8=6 8×8=6 14×4=1 8 8 32 1 10 = 1 0 मेरे पास, तो याद आएगा 33/44 पूरा करके चेक कर लीजिए, बिल्कुल गलत है तो हम दशमलव लेना था, तो ये हो जाएगा 334 334.4।
ये होना है वैल्यू, तो फिलहाल मल्टीप्लाई करके ही वैल्यू लिखते हैं या वही लिखते हैं भाई, क्या है परेशान है वही 80 गुणे 4.18 गुणे 10^7 गुणे यहाँ से कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि सीमा रेखा खींच रहे हैं। चलिए इनटू L1 क्या है मीटर, L1 क्या है भाई सेंटीमीटर, और L2 क्या है मीटर इस पर 2 सेकेंड और यहाँ भी सेकेंड इस पर -2, ये तो कैंसिल आउट हो गया 1 हो गया, फिर मतलब नहीं है उसका। N2 इज इक्वल टू 80 × 4.18 × 10^7। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ध्यान से समझिए, कह रहा है कैलोरी प्रति ग्राम में जूल प्रति किलोग्राम में बदलना है, तो आपको क्या देखना होगा कि सीजीएस से एमकेएस में बदलना है, यानी सेंटीमीटर को मीटर बदलना है। एक सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट 10^-2 मीटर, ये तो होता है, और इसका स्क्वायर है तो 10^ क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, 10^-2 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे 10^-4 आ जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब n2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, n2 इक्वल टू मुझे मिल गया, ये जीरो हटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये अगर जीरो हटाते हैं तो या मत हटाइए ना, आपको क्या परेशानी है, 80 × 418 गुणे ये 10 हटाए तो 2 अंक कट गया आपके 5 × 10^-4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, m2 बराबर यहां पर सॉल्व करना है तो ये जीरो हटाएंगे तो यहां पे 6 हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 64 = 4 है, ठीक है, 8 × 6 = 14 √8 = 32 × 10^7 कितना हो जाएगा 2 और n2 बराबर हो जाएगा 3.344 × 10^5 कितना 5 3.344 × 10^5 क्या क्या गलत है ये, क्या जूल प्रति किग्रा, अब सही हुआ, बिना मात्रक के कोई भी भौतिक राशि का मान नहीं लिख सकते। तो हमने क्या किया था, बर्फ की गुप्त ऊष्मा आपको दी गई थी कैलोरी प्रति ग्राम में, जूल प्रति किलोग्राम में बदलना था, हमने क्या किया पहले उसके दी गई वैल्यू को सही किया, क्यों सही करने की जरूरत पड़ी मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये दोनों अलग अलग सिस्टम में है, दो अलग अलग बिरादरी के हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये हो गया सीजीएस में, ये हमारा कतई सीजीएस में नहीं है, ठीक है। तो कैलोरी को हमने चेंज किया जूल में, देखिए अब यहाँ एमकेएस और सीजीएस दोनों आ गया, फिर बवाल मच गया, इसको फिर चेंज किया सीजीएस में, अर्ग 1 J/10^7 अर्ग, तो जहाँ जूल है वहां 10^7 अर्ग, अब ये टोटल एकदम प्योर सीजीएस सिस्टम का हो गया। मैंने कहा बर्फ की गुप्त ऊष्मा का धीमी सूत्र आपको पता होना चाहिए, बस ये पता है तो बाकी सारा काम बहुत आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, एक सिस्टम में मानना है दूसरे सिस्टम में मान लेना है, L यहां से लिखना है हमें लंबाई। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं सर किलोग्राम वगैरह तो लिखे नहीं, आप यहाँ पे कहीं किलोग्राम दिख ही नहीं रहा है, फिर आपके फॉर्मूले में कैसे आ गया, तो भाई कैलोरी प्रति ग्राम को चेंज किया है, इसमें भी तो कहीं ग्राम नहीं दिखाया आपको, जो डायमेंशन है उसके हेल्प से सॉल्व किया है, तो डायमेंशन हमारा लेंथ और टाइम के टर्म में है, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो हम यहाँ पे इस के थ्रू हम नहीं करेंगे, बस उसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है पीवी इक्वल टू आरटी, आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, ये गैस समीकरण है, पीवी इक्वल टू वैसे होता है एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर मैं कहूं फॉर वन मोल गैस तब क्या हो जाएगा बताइए, एन की वैल्यू वन हो जाएगी तो पीवी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आरटी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस ये चीज हमारे क्वेश्चन में कि पीवी इक्वल टू आरटी, क्वेश्चन ये है कि गैस समीकरण पीवी इक्वल टू आरटी में आपको आर का बीमा सूत्र बताना है, गैस समीकरण आरटी में आर का बीमीय सूत्र बताइए, आर का बीमीय सूत्र बताइए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो जो इसमें लेटर्स यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है, पी इक्वल टू व्हाट, पी इक्वल टू प्रेशर हमें बहुत अच्छे से पता है, वी इक्वल टू व्हाट, वी इक्वल टू वॉल्यूम, टी इक्वल टू क्या टेम्परेचर, एंड आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट, उसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमको बहुत अच्छे से पता है पी वी इक्वल टू आर टी, ठीक है,
हमें चाहिए आर का बीमा, जिसका बीमा चाहिए उसके रिस्पेक्ट में फार्मूला बना लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन टी, बाकी तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। पी क्या है, प्रेशर, तो एम एल माइनस वन, टी पर माइनस टू। वी क्या है, वॉल्यूम, एल पर पावर थ्री। टी क्या है, टेम्परेचर, थीटा। आपको बताया था कि टेम्परेचर का डायमेंशन क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। अब सबको एक साथ लिख दीजिए, एम एल पे माइनस वन और एल पे थ्री, तो एल स्क्वायर टी पर माइनस टू, पर जाएगा तो थीटा पर माइनस वन। ये हमारा आ गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ गैस कॉन्स्टेंट। पॉज करके इसको भी आप नोट कर सकते। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए ठीक है, मैं यहीं तक आपको आज क्लियर कराता हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने यूनिट और मेजरमेंट में जो डायमेंशनल एनालिसिस आपको पढ़ाया है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 मेरे चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये जो मैंने थर्ड लेक्चर पढ़ाया आपको, इसमें जो क्वेश्चंस कराए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए, कुमार मित्तल की उठा लीजिए, या आप ऐसी वर्मा उठाइए, कोई भी रेफरेंस बुक उठा करके आप उसको पढ़िए, और उससे जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करिए। जो नहीं आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस बुक का ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ इसे सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स करिए। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही मेरा यूनिट और मेजरमेंट का सारा टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं एनसीईआरटी के पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँगा। प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।